लापरवाही से चलाए जा रहे तेज रफ्तार वाहन ने गायों के झुंड को टक्कर मार दी, जिसमें 5 गायों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 गायों ने घटना के कुछ देर बाद दम तोड़। बीती रात देवास के सतवास में एक अज्ञात वाहन ने सड़क पर बैठे गायों के झुंड को टक्कर मार दी। इस टक्कर में मौके पर ही 7 गायों की मौत हो गई और कुछ गाय घायल हो गईं। थोड़ी देर बाद इन घायल गायों में से 2 ने दम तोड़ दिया। यह हादसा इंदौर हरदा मार्ग पर तब हुआ जब एक लापरवाह वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सड़क पर बैठी गायों को कुचल दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और लोग घटनास्थल पर पहुंचे और प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टर को बुलाया। उपचार के बाद घायल गायों और मृत गायों को गौशाला ले जाया गया। घटना से आक्रोशित हिंदू समाज के लोगों ने सतवास थाना पहुंचकर कन्नौत SDM प्रवीण प्रजापति को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि तुरंत ही वाहन चालक को पकड़कर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हर रोज सामने आ रही हैं। वाहन चालक तेज गति के साथ वाहन चला रहा था, जिस कारण यह हादसा हुआ है। एक दुखद घटना, वो पूरे तरह से जिस प्रकार घटना हुई है उससे स्पष्ट हो रहा है कि वो जान करके की गई घटना है, दुर्घटना नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है। क्योंकि अगर एक्सीडेंट होता है तो एक या 2 गाय पे चढ़ने के बाद गाड़ी अपने आप रुक जाती है, पर 8 गाय को जान करके अज्ञात अंधगति से चलते हुए वाहन के द्वारा टक्कर जान करके मारा गया, तो उसके विरोध में आज समग्र हिंदू समाज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में आज आया था और SDM साहब और TI साहब को ज्ञापन देकर मांग की है कि एक तो प्रथम दृष्टया जो जिस अज्ञात वाहन के द्वारा रात्रि को ये किया गया कृत्य है उसको तत्काल पकड़ा जाए और उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। अथवास तहसील से आगे अथवास रोड है, वहाँ की घटना है, CVS शोरूम के सामने की घटना है। तो रात को 10:30 बजे तेज वाहन से अंधगति वाहन से दुर्घटना हुई है। इसे रोकने के लिए जो अभी तय हुआ है कि काटापुर लोहारदा और सतवास में स्पीड ब्रेकर और एक कैमरे नगर परिषद के माध्यम से लगाए जाए, जिससे इस तरह की घटना नहीं रहे। और साथ में पुलिस जो हमारे साथ है, पुलिस ने भी बैरिकेड लगा के और उसके सघन जांच चेकिंग के पॉइंट बनाने के लिए भी कोशिश की। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।